अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो वीडियो होने जानी है हायर ऑटोमेटिक 150 मॉडल की सस्पेंशन रॉडों की है। तो ये सस्पेंशन रॉड इसलिए चेंज करते हैं जैसे कि ये हिलती है, टकराती है, इसका बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से डगडग आवाज़ बहुत तेज़ करती है, क्योंकि इसका मेजरमेंट पूरा होता नहीं है। तो आज आपको इसकी वीडियो अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी बनी। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके दो स्क्रू लगे हुए थे पैनल के। ये दोनों स्क्रू हम इसके खोल लेंगे, फिर ये इसके पैनल है। ये पैनल के लॉक होते हैं, इनको ऐसे पकड़ के खोलते हैं। इसके नीचे भी दो स्क्रू हैं जिस पे ये पूरी इसका मेजर फ्रेम है, टॉप इसका पूरा हुडिया खुल जाएगा। इसके मैं मेजर फ्रेम को खोलता हूँ। ओके, बड़े काफ़ी इसको ग्रिप में होते हैं, उनको ऐसे खींच के खोलना पड़ता है। ये खुल चुका है, इसका पीसीबी अलग हो चुका है। इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, ये जो मेन बॉडी के अंदर बैठे हैं, ये दो स्क्रू होते हैं। एक पहले अलग खोलेंगे, अब एक ये वाला खोलेंगे इसका। ये अंदर होते हैं सर्किट के पीसीबी के, दोनों खुल चुके हैं। ये इसको वापस उठा देते हैं। अब दो स्क्रू इसके पीछे, ये आइडोलिक होता है इसका डोर, आहिस्ते आहिस्ते ही आते हैं। इसके दो पीछे स्क्रू होते हैं, अब ये दोनों खोलेंगे। ये इसका वॉल है, वॉल दिखा रहा हूँ आपको। अब इसका ये पूरा आगे से टॉप उठेगा, इसके अंदर सस्पेंशन रॉडें लगी होंगी चारों तरफ। अच्छा, जो पीली वाली है, ये इन पीली वाली का मकसद यही है, जैसे ये लोड पे आती है, क्योंकि आगे लोड होता है ना, तो आगे पीली और वाइट इस पर यही है। दोबारा इसको मैं निकाल दूंगा।